गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। तो हमने वो आलू को उबाल लिया है, अब इनको हम छील लेंगे। सारी आलू को हम छील लेते हैं। ये देखिए हमारी आलू छिल चुकी हैं। अब हम इसको सिलबट्टे पे पीस लेंगे। कटोरी से भी आप वैसे फोड़ना चाहें तो वैसे भी फोड़ सकते हैं आलू को। इससे ये रहेगा कि ये चिकना हो जाएगा सिलबट्टे पे पीसने से। बस इसी तरीके से सारी आलू हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसको हम थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पिस चुका है। अब इसमें हमने डाला है थोड़ा सा सरसों का ऑयल, आधा चम्मच जीरा और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाला है इसमें। आप चाहें तो लाल मिर्च सूखी हुई वो कूट के डाल सकते हैं। बस इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार। बस इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम हाथ में तेल लगाएंगे, यही सरसों का है। बस इसको हम लोइयां बना लेंगे। सारी लोइयां यहीं पे हम बना लेंगे, उसके बाद हम छत पे जाएंगे पापड़ बनाने के लिए। इसी तरीके से सब बना लेंगे। हमारी आलू ठंडी हो चुकी थी तो ये भरता जो वो गीला हो गया है थोड़ा सा। ये देखिए हम पापड़ भी बनाने लगे, छत पे आ गए। इसी तरीके से सारे पापड़ बना लेंगे। आप चाहें तो प्लेट से भी दबा के बना सकते हैं, जैसे सही लगे वैसे बना लें। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे जल्दी बन जाते हैं। बस हाथ से ऐसे बढ़ा देंगे। ये हमारे पापड़ बन चुके हैं सारे। अब इनको हम 2 से 2.5 घंटे ऐसे सूखने देंगे। तब तक ये आधे सूख जाएंगे, फिर पलट देंगे इसको। ये देखिए हमारे दो से ढाई घंटे हो चुके हैं। अब इनको हम पलट देंगे सारे पापड़ को। Yeah.
सारे पापड़ पलट दिए हैं, ये देखिए आधे से ज़्यादा सूख चुके हैं, ये इधर हमारा बाबू खेल रहा है।